हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है सीएलसी की यूनिक शुरुआत गुरुनीति में। आज हम गुरुनीति में केमिस्ट्री का 16th एपिसोड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। माय नेम इज संजय अग्रवाल और मेरे साथ है ओम प्रकाश साल। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड है, इसमें अपन मोस्टली फैराडे की लॉ लेंगे एंड कोलराउस लॉ। क्यों सर? बिल्कुल सर, कोलराउस लॉ, इसके एप्लीकेशंस और इन सब से रिलेटेड अपन डिस्कशन करने वाले हैं। चलें सर, करें स्टार्ट। जी सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। A dilute aqueous solution of Na2SO4 is electrolyzed using platinum electrode. The product at the anode and cathode are. Sir, इस टाइप का जब इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ये चेक करना है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है या इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है। तो सर, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड मोस्टली इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। इनएक्टिव इलेक्ट्रोड होगा तो सर, इसके अकॉर्डिंग यदि मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ तो सबसे पहले मैं Na2SO4 का डिसोसिएशन करूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा। तो सर, Na2SO4 डिसोसिएट होगा तो आपका मिलेगा 2Na+ प्लस SO4 माइनस 2। सही बात है सर? जी सर। सर साथ में इसके एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, जलीय विलयन की बात कर रहा है, वाटर स्कैन और होगी, वाटर साथ में और डिसोसिएट होगा, तो इसको जैसे अपन ने किया तो यहाँ से H+ OH- माइनस आएगा। जी सर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिस्चार्ज थ्योरी की बात करूं तो डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन बोलते हैं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP, या अपन बोले कि डिस्चार्ज पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बात करें और SRP के अकॉर्डिंग बात करें तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा वो आयन पहले जाके रिलीज होता है। जी सर, किसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल अपने यहाँ पे SOP के प्रोपोर्शनल आएगा, सॉरी SRP के नहीं, SOP के प्रोपोर्शनल होता है। और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है उसके लिए विसर्जन होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। जी, ये थोड़ा सा याद रखें आप। तो मैं बोल सकता हूँ SOP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज पोटेंशियल, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है उसके लिए विसर्जन होने की प्रवृत्ति कम होगी, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है उसके लिए डिस्चार्ज होने की प्रवृत्ति, मतलब जाके निक्षेपित होने की प्रवृत्ति, डिपॉजिट होने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। या मैं बोलूं ECS के अकॉर्डिंग जिसका SRP ज्यादा है वो पहले जाके फ्री होगा या पहले जाके डिपॉजिट होगा। तो सर, इन दोनों की अपन अगर कैटायंस की बात करें तो यहाँ पे SRP H+N का ज्यादा हो, H+ का ज्यादा होगा, इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, तो इसका मतलब ये पहले जाके निकलेगा, ये पहले रिलीज होगा। और वहीं पे एनायन की बात करें तो एनायन में अपन बोल सकते हैं OH- होगा, तो कैटायन कैथोड पे जाएगा, एनायन एनोड पे, तो कैटायन कैथोड पे जा रहा है H+ और कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ से अपन को H2 मिलेगा कैथोड पे। वहीं पे एनायन एनोड पे जाएगा OH-, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो OH- आपका किसमें चला जाएगा? O2 में चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में कैथोड और एनोड पे जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं वो क्या मिलेंगे? H2 और O2। सर, यहाँ से कभी अपन को ये भी पूछ लेता है कि बाद में नेचर कैसी रहेगी। जैसे यहाँ पे तो H+ और OH- दोनों निकला है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए केवल H+ निकलता और साथ में दूसरा आयन निकलता तो अपन क्या बोल रहे हैं? H+ निकलता जा रहा है, इसका मतलब H+ निकलता जा रहा है तो सॉल्यूशन कैसा होता जा रहा है? बेसिक सॉल्यूशन होता जा रहा है तो pH इंक्रीज होती है। जैसे Na2SO4 की जगह बच्चों कॉपर सल्फेट आ जाएगा। बिल्कुल। तो उसके बाद में आपसे पूछे कि एक्वस सॉल्यूशन की नेचर क्या होगी, तो बेसिक नेचर होगी और उसकी pH ऑलमोस्ट मतलब कि 7 से ज्यादा होगी, क्योंकि बेसिक के लिए pH 7 से ज्यादा होती है। सर, यहाँ पे अपना इसका करेक्ट आंसर आएगा O2H2। हाँ सर, इसमें यह भी देखना पड़ेगा पहले क्या पूछ रहा है। जी सर, जैसे इधर ऑप्शन दिया O2H2, साथ में एक ऑप्शन दे देता H2O2, तो अपन को ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा। तो एनोड और कैथोड पे बात किया, तो एनोड पे O2, कैथोड पे H2, अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। जी सर। चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी सर, क्वेश्चन सेकंड, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3, यानी Al2O3 से आपको क्या ऑब्टेन करना है? एल्युमिनियम का 1 मोल आपको ऑब्टेन करना है। जी सर। सर, इसमें अपन यदि बोले तो मैं सिंपल ये बोल सकता हूँ कि Al+3 से Al पे मुझे जाना। जी सर। और सर, फैराडे के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे के इक्वल होता है। जी सर। तो यहाँ पे मैं ग्राम इक्विवेलेंट की सर बात कर लूँ, ग्राम इक्विवेलेंट सिंपल अपन ने पढ़ा है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल इनटू एन फैक्टर होता है। जी सर। तो यहाँ से मोल आ गया 1, एन फैक्टर चेंज इन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे +3 से 0 में जा रहा है तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन 3 आ गया। तो अपन बोलते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। यहां से मैं बोल सकता हूं ये 3 मोल इक्विवेलेंट आ रहे हैं अपने पास, तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी? यहां पे 3 फैराडे होगी। अगर बच्चों इसको आपको अगर कूलम में कन्वर्ट करना हो तो 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96500 कूलम, तो 3 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 96500 कूलम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कूलम के अंदर यूनिट में आपका चार्ज हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
If mercury is used as a cathode in the electrolysis of aqueous NaCl solution, then iron discharge at cathode. Important question है. अभी अपन ने सर पीछे बात की कि जैसे मैंने मान लीजिए NaCl के लिए बात की तो Na plus Cl minus. साथ में वाटर के लिए बात कर रहे हैं H2O तो H plus OH minus. यदि सर इनएक्टिव इलेक्ट्रोड है फॉर एग्जाम्पल प्लेटिनम है तो वहां पे अपन बोल देंगे कि डिस्चार्ज पोटेंशियल के लिए बात करेंगे, डिस्चार्ज होने की नेचर के लिए बात करेंगे तो इसका एसआरपी ज्यादा है तो ये पहले डिस्चार्ज होगा और इधर अपन बात कर लेंगे सीएल माइनस पहले डिस्चार्ज होगा. लेकिन मरकरी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उस केस में Na प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल H प्लस को रिप्लेस कर जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. या मैं बोलूं इस केस में Na प्लस H प्लस से पहले रिलीज होगा. ये अपन को मर्करी इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में याद रखना है. यहाँ पे इलेक्ट्रोड का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा. यदि प्लेटिनम होता तो H प्लस जाता, मर्करी है तो Na प्लस H प्लस से भी नीचे आ जाता है तो यहाँ पे अपना क्या जाएगा Na प्लस जाएगा. जलीय NaCl विलयन के विद्युत अपघटन में मर्करी कैथोड के रूप में उपयोग कर रहे हैं तब कैथोड पे कैटायन जाता है तो कैटायन यहाँ पे Na प्लस रहेगा तो सर अपना आंसर क्या जाएगा यहाँ पे सेकंड Na प्लस आंसर चला जाए. यानी कहने का मतलब प्लेटिनम जब इलेक्ट्रोड है ये काफी इंपोर्टेंट केस है सर. जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है तो H प्लस N सबसे पहले डिपोजिट होगा Na प्लस N से. बिल्कुल राइट. और जब मर्करी इलेक्ट्रोड है उस केस में क्या होगा रिवर्स हो जाएगा. Na प्लस जाके डिपोजिट हो जाएगा H प्लस N के रेस्पेक्टिवली इससे पहले. तो अभी इस केस के अंदर मर्करी इलेक्ट्रोड है तो Na प्लस N डिपोजिट होगा. चलिए भाई H प्लस N डिपोजिट. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 एम KCl सॉल्यूशन इन अ कंडक्शन सेल इज 300 ओम. सर यहां से R दे दिया अपन को 300 ओम. जी सर. साथ में अपन को दिया एंड कंडक्टिविटी इज 0.013. कंडक्टिविटी दे रखी है अपन को. कंडक्टिविटी को सर मैं कप्पा भी बोल सकता हूँ. कुछ लोग जी बोल देते हैं, ये नोटेशन का फर्क है, नथिंग एल्स. तो यहाँ से बोल देंगे 0.013 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स. द वैल्यू ऑफ सेल कॉन्स्टेंट. यहाँ से मैं सेल कॉन्स्टेंट के लिए बात करूं तो बेटा एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है. ये L upon A जो होता है उसे सेल कांस्टेंट बोलते हैं. इंपॉर्टेंट है जिसकी यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होगी. एंड सेल कांस्टेंट एक सेल के लिए फिक्स होता है. आप उसका सॉल्यूशन चेंज भी कर दोगे तो वो चेंज नहीं होगा. ये याद रखिएगा. तो यहां से मैं इसको थोड़ा सा रिप्लेस करूं. रो जो है अपने पास में रेजिस्टिविटी, इसका यदि मैं उल्टा करूं इनवर्स करूं तो ये आ जाएगा 1/कप्पा, जिसे कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे. और ये L upon A. तो यहां से सेल कांस्टेंट में निकालो एल अपॉन ए तो ये आएगा आपका आर इनटू कप्पा. रेजिस्टेंस देखो बच्चों कितना दे रखा है आपको 300 ओम दे रखा है और कप्पा कितना दे रखा है 0.013. जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा 3.9 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सर अपने पास में यूनिट देखो 3.9 दो जगह दे रखा है. यूनिट अपने सेंटीमीटर में फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. The specific conductance of saturated solution of silver bromide. Silver bromide के लिए बात कर रहा है sir. Silver bromide is K Siemens centimeter inverse. The limiting ionic conductivity. Sir, limiting ionic conductivity की बात कर रहा है. Ag plus and Br minus is X and Y. Then solubility of silver bromide is gram per liter. पहला यहाँ पे धोखा जो दे रहा है unit में gram per liter. जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो solubility है वो एक type की कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी है, जिसकी यूनिट मोल पर लीटर होती है. तो पहले आप मोल पर लीटर में कैलकुलेट करोगे, देन यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाय द मॉलिक्यूलर वेट, देन इट विल बिकम इनटू द ग्राम पर लीटर. तो सर यहां से एक चीज और दूसरी समझ में आती है कि मेरे को बात कर रहा है सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर ब्रोमाइड बोले तो AgBr, सर ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है. और स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए हम ये मानते हैं कि जैसे ही हम इनफाइनाइट पे बात करेंगे तो वहां पे लैम्डा एम को लैम्डा एम इनफिनिटी मान लेते हैं क्योंकि वहां पे डाइल्यूशन का केस होता है. मोर डाइल्यूटेड अपन उसको मान रहे हैं. जी सर बिल्कुल. तो सर वैसे इसका फॉर्मूला अपने पास होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा 1000 अपॉन एम. ये फॉर्मूला होता है अपने पास में मोलर कंडक्टिविटी का. यहाँ पे 1000 का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. यदि आपके कप्पा की यूनिट सेंटीमीटर सीजीएस में चल रही है तब तो ऊपर आएगा और यदि आपके पास में एमकेएस में चल रही है मीटर में तो नीचे आएगा. इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ऐसा इक्वेशन हमने आगे डाला हुआ है वो बताऊंगा कहां पे धोखा मिलेगा अपन को. अब यहाँ पे अपन ने स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए बात की है तो वहां पे याद रखेंगे कि जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी ड्यू टू इट्स डाइल्यूशन.
यहाँ पे अपन इसकी जो मोलरिटी है वो ही इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे चले जाते हैं तो मोलरिटी को सॉल्युबिलिटी से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे अपन को पूछा है सॉल्युबिलिटी, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एम की जगह एस, ये क्या हो जाएगा आपका टप्पा 1000 अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। कोलेराउश बोलता है कि किसी सब्सटेंस किसी सॉल्ट के लिए जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, दैट इज द सम ऑफ इट्स एनायन एंड कैटायन इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी। मतलब AgBr के लिए जो इनफाइनाइट पे होगी वो क्या होगी Ag प्लस और Br माइनस की इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी का सम होगा। कप्पा की वैल्यू सर अपन को दे रखी है, कितना दे रखा है अपन को स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ही दे रखा है जी सर, इन 2000 आएगा अपॉन में x प्लस y, वो क्यों आया वो आपको बता चुके हैं कि जिस पे कोलेराउश के अकॉर्डिंग उसके आयंस का सम है। यहाँ पे साथ में अपने पास में अभी सर जो यूनिट आएगी ना वो मोल पर लीटर आएगी जी सर। अब अपन को इसको यदि ग्राम पर लीटर में बदलना है तो अणु भार से मल्टीप्लाई करना, मोल पर लीटर को जब भी बच्चों आपको ग्राम पर लीटर में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जी सर। बिल्कुल, तो सर 188 से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना इसका सिंपल आंसर आ जाएगा जी सर। यहाँ पे अपन को मोलर वेट डायरेक्ट दिया है 188, तो सर इसका कौन सा आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चले सर आगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Fe2SO43 इज रिलेटेड टू मोलर कंडक्टिविटी बाय द एक्सप्रेशन। देखो क्या रिलेशन होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है L into equivalent conductivity, क्यों सर? बिल्कुल सर, इसको L बच्चों को number of मतलब कि transfer electron बोल दो या charge बोल दो रहे, और ये salt है तो इसका L factor क्या होगा? Six. सर ये थोड़ा सा formula भी अपन बच्चों को बता देते हैं। Lambda m अपना होता है बेटा कप्पा 1000 upon m, और वहीं पे equivalent conductivity के लिए बात करें तो कप्पा 1000 upon n आ जाएगा। बचपन में पढ़ा था नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर जी सर, तो सर इसको मैं बोल दूं मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। सर इन दोनों से ये दोनों जाएगा, इससे ये जाएगा, तो सर अपन इसको यदि थोड़ा सा सॉल्व करें तो लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इनटू, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 6। सिक्स हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कितना है इसके ऊपर, इसको आप डिसोसिएट करोगे 2Fe+3+3SO4-2, तो आप एक केटायन का चार्ज देख लो और एक आयरन पे प्लस 3 तो दो पे क्या होगा 6। चार्ज जो सबने तरीका बताया इसको अच्छे से समझे, चार्ज का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो लैम्डा मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू 6 इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो सर इसके अकॉर्डिंग आंसर चेक कर लीजिए क्या रहेगा अपना। तो सर वैसे भी 6 वाला तो देखो अपन को आगे भी फॉर्मूला भी नहीं याद है, एन फैक्टर पता है तो ये तीन तो वैसे कैंसिल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अ ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स NaCl, HCl, NH4OH एंड रूट सी, देन करेक्ट सेटिंग इज। सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस वेरिएंट का क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटा ये जो ग्राफ दे रहा है, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि जब अपन डाइल्यूशन का केस कंडक्टिविटी पे कंडक्टेंस पे पढ़ रहे होते हैं तो हम दो केस पढ़ते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो अपन इसको डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी को, वो किसके थ्रू डिफाइन करते हैं सर, डिबाय हकल ऑन्सगर इक्वेशन के थ्रू सर। वो क्या होता है अपने पास में, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी माइनस बी रूट सी, दैट इज द डिबाय हकल ऑन्सगर इक्वेशन, एंड दिस इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप इसको चेक भी कर सकते हो, यदि ये लैम्डा एम अपन लेके चल रहे हैं तो देखिएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है और यहाँ पे अपन चेक कर रहे हैं कि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करेंगे अपन, तो ये ग्राफ अपन को ये एक चीज समझ में आती है कि यहाँ से ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी कर रहा है, जिसको नहीं कर रहा है तो ये तो क्लियर हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमारे पास तीन टाइप के सब्सटेंस दिए हैं, सोल्ट दिए NaCl, HCl, NH4OH। सर ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो इसका तो क्लियर हो गया ये तो NH4OH का है। बात आती है इन दोनों में, इन दोनों को करने के लिए आपको एक चीज इंपॉर्टेंट फिर पता लगेगी कि जितने भी कैटायंस हैं उनमें H+ की कंडक्टेंस इनवेरिएबली हाई होती है सारे कैटायंस से, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 350। ऐसे एनायंस में बात करें तो OH- की हाई होती है, तो यहाँ पे अपन बात करें कहीं भी कैटायन आ जाएगा तो H+ की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सबसे हाई होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे हाई इसके लिए है, तो ये HCl के लिए हो जाएगा और रिमेनिंग वन आपका हो जाएगा NaCl। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखें केवल ये डिबाय हकल ऑन्सगर इक्वेशन वैलिड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन को कम करते जा रहे हैं
वैसे वैसे डाइल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वी बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस डिक्रीज होते जा रहे हैं, दैट्स व्हाई आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स तो बोलेंगे, साथ साथ हम ये बोलेंगे नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज होंगे, दैट इज द ऑल्सो द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी। चले सर आगे, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा सर अपना? इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। ओके सर, देखो इसको ऐसे भी आप बता सकते हो, अगर आपको डाटा याद नहीं तो आप इसकी साइज के हिसाब से बता देते हो, एच प्लस एन और एन ए प्लस एन। एच प्लस एन की साइज छोटी होगी तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ पोलर ऑफ लो में पढ़ते हैं। और एन ए प्लस एन की साइज क्या है? एच प्लस एन की कंपैरेटिवली क्या होगी? ज्यादा होगी, तो इसकी कंडक्टेंस क्या होगी? एच प्लस एन से क्या होगी? कम होगी। तो एच सी एल सबसे ज्यादा, बाद में एन ए सी एल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो सबसे कम हो गई। चले सर आगे। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। When 0.1 mole MnO4- is oxidized to MnO4- the quantity of electricity required। सर अभी अपने पीछे भी ऐसा एक क्वेश्चन बात की थी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है वो अपन को पता है कितना होता है, 1 फैराडे के इक्वल होता है। यहाँ से अपन ने सर सीधे चार्ज की बात की, यहाँ से अपन को पता लगा n फैक्टर आपका 1 है। जी सर, ग्राम इक्विवेलेंट इधर से कितने आएंगे? मोल इनटू n फैक्टर। मोल आज 0.1 दिया है, तो मोल इनटू एन फैक्टर करेंगे तो 0.1 इनटू 1 ये आएगा 0.1, ये ग्राम में इक्विवेलेंट आ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी कितनी हो जाएगी? 0.1F, मतलब 0.1 इनटू 96500, इससे ये चला जाएगा अपने पास में और जाएगा तो आपको मिलेगा 9650 कूलम्ब। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl ऑफ कंसंट्रेट C एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा सी लैम्डा इंफिनिटी द करेक्ट रिलेशन। सर अभी बात करके आए थे जिबाई हकल ऑन्सगर इक्वेशन, दैट इज वैलिड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो लैम्डा सी इज इक्वल टू या लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी माइनस बी रूट सी, कौन सा करेक्ट होगा सर इसका? इट मींस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। जी सर, चलिए सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है द डायग्राम बिलो शोज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल व्हिच कंटेन 1 लीटर ऑफ एक्वस 1 एम कॉपर सल्फेट, देन इफ 0.4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द सेल द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन आफ्टर पासेज ऑफ चार्ज विल बी। कहने का मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जिस मेटल के इलेक्ट्रोड लिए उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। सर अपन इसमें दोनों केस बच्चों को समझाएंगे जिससे उनको ये क्लियर हो जाए कि एक्टिव और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड बार बार अपन बात कर रहे हैं तो ये दोनों में लेते हैं तो अमाउंट पे क्या फर्क पड़ता है उसकी बात कर लेते हैं। सर पहले मैं इधर अपन से तो इसने एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात की है, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए बात कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे सर पहले इनएक्टिव इलेक्ट्रोड को समझाना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे मान लिया पहला फर्स्ट केस प्लेटिनम ले लिया तब क्या होगा, और सेकेंड केस अपन बात करेंगे कॉपर लेंगे तो क्या होगा। प्लेटिनम लेंगे तो सर अपन को पता है कि CuSO4 और H2O, भाई यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड की जगह प्लेटिनम ले लूंगा तो CuSO4 और H2O का डिसोसिएशन, तो वहां पे कैथोड पे तो मिलेगा अपन को Cu+2 और SO4-2 और वाटर कैन H+ और OH-, ठीक है। तो सर यहां से तो अपन को मिलेगा ये कॉपर से मिलेगा ये, केवल कैटायन की बात कर रहा हूं कॉपर। और आपका नेचर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन क्या रहेगा? H2SO4 एसिडिक रहेगा जिसकी पीएच क्या होती है? 1 के ऑलमोस्ट इक्वल होती है, मतलब 7 से लेस रहेगी। जी सर, यहाँ पे सर ये ध्यान रखिए बच्चे, अपन अभी इस क्वेश्चन की नहीं बात कर रहे हैं, अपन इसका दूसरा केस बात कर रहे हैं जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। जी सर बिल्कुल। तो सर यहाँ से कॉपर जाएगा, ये समझ में आ रहा है? जी सर। कितना बोला है? 0.4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गई 0.4F। जी सर सही बात है। तो मैं यहाँ से मोल निकालू, ये ग्राम इक्विवेलेंट तो है तो अपन को ग्राम इक्विवेलेंट मिल गए 0.4, दैट इज मोल इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा Cu+2 में? 2। तो यहाँ से सर मोल आ जाएंगे आपके पास में 0.2। इतनी बात समझ में आती है बच्चों? ये अपन किसके केस की बात कर रहे हैं? केवल प्लेटिनम के केस की। तो मतलब यहाँ पे जो कॉपर प्लस टू जा रहा है वो Cu+2 के फॉर्म में जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। कितना मोल हो रहा है? 0.2। आपके पास इनिशियली कितने मोल थे? 1 एम दिया था और 1 लीटर है, तो अपन को पता है मोल इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ से 1 × 1 मोल आ जाएगा। 1 में से 0.2 डिपॉजिट हो गया, रिमेनिंग कितना रहा? 0.8। तो अपन ने बोला रिमेनिंग जो सोल्यूशन में रहेगा वो आपका कितना रहेगा वो देख लीजिए, 0.8 मोल रहेगा, 1 − 0.2 तो यह आया 0.8। तो मोलरिटी कितनी आएगी? मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 है तो यहाँ पे 0.8। ये ऑप्शन अपना गिवन है, लेकिन ये आंसर यहाँ पे नहीं होगा। रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इन एक्टिव इलेक्ट्रोड दैट इज सी।
ये अपने प्लेटिनम के केस की बात की, प्लेटिनम देता तो आंसर अपना ये होगा। जी सर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉपर दैट इज एक्टिव इलेक्ट्रोड, और कॉपर का इलेक्ट्रोड है और कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन है, तो सिंपल सी बात है भाई, जितना जाएगा उतना इधर जाएगा, सेम रहेगा। जी सर, समझ में आ गई बात? चाहे 4 करोड़ चाहे 6 करोड़ चाहे 10 करोड़ चाहे 1 करोड़ चाहे 0.4 करोड़ सेम रहेगा। तो मोल इनटू वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यहाँ से मोल अपना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो आपने 1 किया, 1 का 1 ही मिल गया, वॉल्यूम 1 दे ही रखा है, तो यहाँ से सिंपल सा अपने पास में कंसंट्रेशन 1 है मिली रहे। और इस मेथड का यूज मेटल्स को प्यूरिफिकेशन करने के यूज, इलेक्ट्रोलाइसिस का सर यूज वही होगा, क्योंकि यहाँ पे कैथोड प्योर का बनाते हैं, एनोड इम्प्योर का, जैसे जैसे रिएक्शन होती है इम्प्योर कम होता जाता है, कैथोड की छड़ मोटी होती जाती है और लास्ट में उसे प्योरीफाई करके निकाल लेते हैं, और इम्प्योरिटीज जो एनोड इलेक्ट्रोड के नीचे आके इकट्ठा हो जाती है जिसे एनोड बट कहते हैं। बिल्कुल, चले सर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीकर कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ गोल्ड डस्ट, ए Which of the following aqueous solution when added to beaker would dissolve the gold dust? Gold यहाँ पे metal है, ECS electrochemistry का simple सा question है, दिखने में डरावना लग रहा है, हम वहाँ पे फंडा बोलते हैं कि ऊपर वाली metal नीचे वाली metal को displace कर देती है या dissolve कर देती है, ऐसा ही बात करते हैं, मतलब जिसका SRP कम है वो ज्यादा SRP वाले को dissolve करेगा, यानी इसमें आप ऊपर से नीचे जाओगे तो SRP increase होगा। सर पहले ये देखना पड़ेगा रिडक्शन ऑर्डर में है क्या, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल सर, सब रिडक्शन ऑर्डर के अंदर है, सभी मेटल्स है इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। सर यहाँ पे अपने AU देखा, AU के लिए अपने पास में जो आया है वो 1.40 आया। जी सर। अब अपन को इससे कम वाला SRP जस्ट ढूंढना पड़ेगा, इससे कम वाला SRP जस्ट देख रहे हैं अपन, SRP के लिए बात करेंगे तो। जी सर। तो यहाँ से अपन को चेक करना पड़ेगा SRP के लिए कि भाई जिसका SRP जो इससे ऊपर आ रहा होगा वही तो डिसॉल्व कर पाएगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें, सर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, व्हेन इट वुड डिसॉल्व द गोल्ड डस्ट, ये उल्टा पूछ रहा है सर। तो यहाँ पे सर अपन देखें H2O2 का इससे जस्ट आगे आ रहा है 1.78, तो ये इसके लिए बेटा डिसॉल्व करेगा, समझ में आ रही है सर। यहाँ पे अपना इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, लैंग्वेज थोड़ा इसने उल्टा करके पूछा है, ध्यान रखें एक बीकर में स्वर्ण चूर्ण की थोड़ी सी मात्रा है, बीकर में निम्न में से कौन सा जलीय विलयन को डालने पर वह स्वर्ण चूर्ण को घोल देगा, इसके अकॉर्डिंगली सर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अपना सर इसका कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए, थर्ड ऑप्शन सर अपना इसका करेक्ट होना चाहिए। अगर इसमें जिंक मेटल अपन डिसॉल्व कर दे तो क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाएगी जिंक मेटल? हाँ सर, जिंक मेटल तो डिस्प्लेस कर देगी, डिसॉल्व करने की बात कर रहा है, मैंने अभी आपको यही बोला, ऊपर वाली धातु मेटल नीचे वाली को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस करती है, यहाँ पे डिसॉल्व करने की बात कर रहा है, तो डिसॉल्व कौन करेगा, जो इससे नीचे वाला SRP होगा, जो इससे ऊपर वाला SRP होगा वो तो उसको डिस्प्लेस करेगा, वही बोला तभी उल्टा बोल रहा है। चलें सर आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 12 के, हाउ लॉन्ग मस्ट ए 50 एम्पीयर करंट बी पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर रिफाइनिंग कॉपर टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ कॉपर। यहां से एक चीज ध्यान रखें, यूनिट आर्स में आ रही है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो सर जब आपके आंसर आएगा वो सेकंड में आएगा, उसको आवर्स में अपन कंप्लीट करेंगे। फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बात करें, W इज इक्वल टू जेड आई टी होता है हमारे पास सर, यहाँ से इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करें, W इज इक्वल टू जेड होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ। जी सर। तो इक्विवेलेंट वेट को मैं लिखूं, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर, एफ आएगा इनटू आई टी, एटॉमिक वेट को इसके नीचे लेके जाऊं तो अपना फॉर्मूला बन गया, जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आई टी अपॉन एन एफ, यही फॉर्मूला बनेगा सर। जी सर। यहां से अपन को टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए मैंने बोला मोल इंटू एन इंटू एफ अपॉन आई, सही बात है सर। तो मोल की जगह अपन 3 पुट कर देंगे। बिल्कुल। और नंबर ऑफ ट्रांस, यहाँ पे क्या नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर के केस में कितना आएगा 2, ये ध्यान रखिएगा, अपन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो Cu+2 से Cu का केस, और एफ की वैल्यू क्या होगी 96500 कूलाब, और यहाँ पे जो करंट है वो कितना 50 एम्पीयर आपको दे रखा है, ये जो आएगा सर अपन को हमेशा ध्यान रखना है करंट एम्पियर में लेते हैं और टाइम सेकंड में, तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा वो सेकंड में आएगा, यदि सर अपन को उसको आर्ट्स में बदलना है तो 3600 से क्या कर देंगे अपन इसको डिवाइड कर देंगे, तो सर अपन इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो सर अपना क्या आंसर रहेगा इसका, डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो अपने पास में इसका आंसर आएगा 3.22 आर्ट्स आएगा। इसके अंदर ये तो किस में आएगा आपके, सेकंड में आएगा, इसमें आप क्या कर लेना 3600 से डिवाइड कर लेना, तो किस में आ जाएगा आपके आवर्स में। हाँ सर, अपने वो डायरेक्ट ही बताया कि आवर्स में इसका सलूशन कैसे होगा, आप इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट भी कर सकते हो कि जैसे अपने पास में 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, बाकी इसको ये 50 है तो 3 2 6 हो गया, 6 से ये 6 टाइम्स जाएगा, इससे ये किया आपने 6, ये आपका आ जाएगा 6,
और इसको आप जीरो करके सॉल्व कर लेना तो यहाँ से ये जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स आ गया ऑप्शन के अंदर, फोर्थ ऑप्शन ही दे रहा है। तो सर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन का इनको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे। जी सर। A steel pipe can be protected from corrosion by attaching the pipe to a piece of magnesium because बहुत important question है ये, अपना rusting of iron से related है। अपन बोलते हैं कि iron पे rust क्यों लगता है, क्योंकि वो easily oxidized होता है, Fe से Fe plus 2 में जाता है and further oxidation के through Fe plus 3 में convert होता है और अपन को वहाँ पे rust Fe2O3.xH2O की form में मिलती है। अब अपन क्या करना चाह रहे हैं, देखो electrochemical series के according बात कर रहे हैं कि इस मेटल Fe से ऊपर वाली कोई मेटल ले ले तो कि उसका SRP कम होगा, तो जिसका SRP कम है वो पहले ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी। जी सर। क्योंकि और वो पहले ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी क्योंकि SRP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। सही बात है सर, अपन ऐसा बात कर रहे हैं। तो अपन ने क्या बोला कि यहाँ पे Fe से ऊपर वाली मेटल ले ली, ECS के अकॉर्डिंग देखोगे तो मैग्नीशियम सर ऊपर आता है, Fe नीचे आता है। बोलो करेक्ट बात है क्या? जी सर। तो यहाँ पे सर इनका SRP इंक्रीज हो रहा होता है, ऐसे ही बात करते हैं अपन। जी सर। अपने ये ECS वो ट्रिक करते हो ना, लिखे बाप का कने मांगी अलमारी, वो आपके इशू है क्या याद कर रहे हो। तो अपन इसमें क्या कर रहे हैं कि Fe से ऊपर वाली मेटल ले लेंगे जिससे Fe से पहले वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। अब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी तो Fe ऑक्सीडाइज्ड नहीं होगी और आयरन पे जो रस्ट लग रही थी इस पे रस्ट लगना बंद हो जाएगी। तो रस्ट लगने से लिए हम रोकने के लिए क्या करते हैं, या तो किसी ऐसी मेटल से उसको लेपित कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं जो इससे ऊपर आ रही हो जिससे उसका ऑक्सीडेशन पहले हो जाए, इस तरीके से बात कर रहे होते हैं अपन। या अपन दूसरा क्या बात कर रहे होते हैं कि ऐसे कोई ब्लॉक से अटैच कर दिया जिसके लिए मतलब ये ECS में ऊपर आ रहा हो जिससे वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाए और आयरन बच जाए। कहने का मतलब आयरन पे हाई रिएक्टिव मेटल्स की कोटिंग करते हो, कोटिंग करते जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। क्योंकि ये जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है उसको तो आप क्या लोगे, एनोड लोगे हो रहे, और जो आयरन है उसको क्या लोगे, कैथोड लोगे। तभी सर अपन ने बोला कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आयरन बच जाएगा तो रस्टिंग नहीं होगी। इसको आपने पढ़ा होगा कैथोडिक प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो सर यहाँ पे अपन इसके लिए बात करें तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, मैग्नीशियम इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज्ड देन आयरन। बिल्कुल सर, तो इसके अकॉर्डिंग अपन बात कर लेंगे। चले सर आगे। क्वेश्चन नंबर 14, 20 ml of KOS solution was titrated with 0.20 ml H2SO4 solution in a conductivity cell. The data obtained were plotted to give the graph shown. सर ये जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे अपन को ये जो बात कर रहा है ये कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन की बात कर रहा है। जी सर। ठीक है, ये कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन की बात कर रहा है। यहाँ पे अपन क्या बोलते हैं कि जितने ज्यादा अपन इस एसिड के ग्राफ में OH माइनस डालते जाएंगे उतना ज्यादा इसका न्यूट्रलाइजेशन होता जाएगा, डाइल्यूशन होता जाएगा। जी जी जी। इस ग्राफ में केवल एक ही फंडा काम में लेना है, भाई न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन हो तो बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो कि एसिड के इक्वलेंट इज इक्वल टू बेस के इक्वलेंट, या न्यूट्रलाइजेशन के केस में बोलते थे हम N1V1 इज इक्वल टू N2V2। सर जब ये इतना सिंपल फॉर्मूला था तो अपन ने एक ग्राफ का ही लिया, बट एक ग्राफ लेने का रीजन इतना सा होता है कि ये जब तक न्यूट्रलाइज होता रहेगा, जब तक कि उसमें H+ पूरे न्यूट्रलाइज नहीं हो जाए तब तक हम OH- डालते जा रहे हैं। तो ये पॉइंट जहां आता है, जहां ग्राफ चेंज हो रहा होता है, दैट इज द एंड पॉइंट। इस एंड पॉइंट पे आके अपनी रिएक्शन कंप्लीट होती है और इस एंड पॉइंट पे अपन ये देख लेते हैं कि एसिड का कितना वॉल्यूम न्यूट्रलाइजेशन में काम में आया है। तो यहां से अपन ने देखा कि इसका 15 ml वॉल्यूम न्यूट्रलाइजेशन में काम में आया है। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं, एक को एसिड और एक को बेस मान लो, मान लीजिए मैंने इसको एसिड और इसको बेस माना हुआ है। तो अब एसिड के लिए अपन बात करें, साथ में याद रखना नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर होता है। तो एसिड के लिए अपन बात करें तो एसिड के लिए अपन को बोला है 0.20 mH2SO4, मोलरिटी दी है तो अपन ने बोला 0.20, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, इनटू एन फैक्टर 2, इनटू वॉल्यूम अपन ने कितना ले लिया 50 ml। दोनों को ml में ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। N2 अपन को इसके लिए निकालना है, बेस के लिए। इसके लिए मोलरिटी बोलो नॉर्मेलिटी एक ही बात होगी क्योंकि इसका n फैक्टर आपका 1 होगा। यहाँ पे वॉल्यूम अपन को दे रखा है 20 ml। तो थोड़ा सा अपन इसको सर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करें अपन इसको तो ये यहाँ से हटाने, ये 2 आएगा, यहाँ से ये जाएगा अपना, और इसके लिए अपन बात करें तो 0.3 के अप्रोक्सीमेट ले, 0.3 के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो इस टाइट्रेशन में ध्यान रखना जो एंड पॉइंट है वो आपका वॉल्यूम को इंडिकेट करेगा। इस पॉइंट पे क्या पूरा का पूरा एसिड क्या हो गया, बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और इसे कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन लोग। हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू प्लेट आउट 2.19 ग्राम ऑफ क्रोमियम मेटल फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ Cr+3
यूजिंग अ करंट ऑफ 35.2 एम्पीयर. अगेन टाइम अपन से सर मिनट्स में पूछा है, जबकि आपके सेकंड के अंदर इसका आंसर आएगा. उसको अपने को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. हाँ. तो सीधा अपन अगर फॉर्मूला लिखें तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है, आई इनटू टी अपॉन 96500 कूलर. बिल्कुल सर, ठीक है. इसका वेट आपको दे रखा कितना डिपॉजिट होगा 2.19 ग्राम. तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, 2.19 ग्राम अपॉन क्रोमियम का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना होगा, क्रोमियम का एटॉमिक मास कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 52 लेते हैं अपन, 52 अपॉन और एन फैक्टर की बात कर रहे हैं, एन फैक्टर यहाँ पे 3 बात कर रहा है क्योंकि क्रोमियम से सीआर पे जाना है अपन को मेटल. इक्वल टू आपको कितना करंट दे रखा है 35.2 एम्पीयर इनटू टी अपॉन 96500 कूलम. अभी जो टाइम आएगा वो किस में आएगा सर, ये टाइम अपने पास जो आएगा सेकंड में. अपन पहले उस पूरे टाइम को सर कैलकुलेट कर लेते हैं, एक साइड इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए सर टाइम को ले जाके. तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2.19, ये 3 का ऊपर चला जाएगा तो 3 इनटू 96500 कूलम अपॉन नीचे कितना आएगा 52 इनटू 35.2. अब क्या करते हैं, ये आंसर आएगा सेकंड में. तो अपन एक साथ ही कर लेते हैं, इसके अंदर 60 से डिवाइड कर लेते हैं तो इनटू 60. सर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा बच्चों को करना इजी हो जाए. तो सर जैसे अपन इसको अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करें तो सर ये 3 ये 36 माने तो 12 टाइम्स चला जाएगा. जी सर. सर 0 से 0 हटा दो, थोड़ा सा सर इसको सॉल्व कर दे जिससे बच्चों को आसान रहे. तो इसको अपन यदि देखते हैं पॉइंट हटाया तो इससे ये 2 जीरो चलेगा, अपने 3 को अप्रोक्सीमेट कट करें तो ये 12 टाइम्स जाएगा अपने पास में अराउंड. अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे सर ये 60 है, 96500 की बात कर रहे हैं. इसको यदि अपन 10 मानते हैं डायरेक्ट 6 से ही कट करें तो ये सर 6 बन जा 6 आएगा, ये 6 जा 13 ये आएगा और ये इस तरीके से आ रहा होगा. जी सर. अब सर अपन इसको देखें तो ये अराउंड 3 टाइम्स जा रहा होगा अपने पास में, ये 3 टाइम्स जा रहा होगा. इसे 220 मान लें तो 660 आ जाएगा और उससे ये 0 चला जाएगा तो 66 अपॉन 12 आ रहा होगा तो 5 पॉइंट समथिंग मेरा अराउंड आना चाहिए. तो सर इसका मतलब ये आना चाहिए मिनट में. ये सर सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करना जरूर याद रखें नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. जी सर. चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 एम ऑफ ईच CuNO3 का ट्वाइस, AgNO3, Hg2NO3 का ट्वाइस, MgNO3 का ट्वाइस, द वैल्यू ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर. सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. एक्चुअली में यहाँ पे अपन को पहले देख रहे हैं कि क्या दिया हुआ है, Ag प्लस से Ag इसका भी SRP दिया है, तो सबसे पहले जिसका SRP ज्यादा है वो डिस्चार्ज होगा क्योंकि उसके लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा. तो अपने यहाँ पे देखा सर ये ऑलरेडी इसी ऑर्डर में है, देखो सबसे ज्यादा SRP, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम. बिल्कुल सबसे पहले तो ये जाएगा Ag, तो आपने ले लिया सबसे पहले Ag, उससे कम जाएगा आपका Hg, उससे कम कौन जाएगा सर आपका ऊपर, देन ये तो इसका तो वो है ये ना? जाएगा नहीं, बस यही समझाना चाह रहा था क्योंकि इससे पहले वाटर का रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि उसके लिए अपन जो रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं वो अराउंड -0.83 वोल्ट लेते हैं. जी सर. तो उससे पहले वो चला जाएगा, वाटर से ज्यादा वाले लेने हैं अपन को वो नहीं लेना है, यहाँ पे यही धोखा होगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो इसका अपना आंसर थर्ड ऑप्शन होगा. याद रखें एमजी नहीं जाएगा क्योंकि उससे पहले वाटर चला जाएगा. जी सर. उसका रिडक्शन हो जाएगा. हाँ, तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, गिवन द फॉलोइंग मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है. किसकी, द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड 25 डिग्री सेल्सियस फॉर एसिडिक एसिड सॉल्यूशन. तो देखो एसिडिक एसिड सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है. ये एसिडिक एसिड सॉल्यूशन हो गया, इसमें दो टाइप के आयन है एसिटेट आयन और H+ आयन, तो उनकी मोलर कंडक्टेंस आपके पास होनी चाहिए. तो सर अपन ऐसा बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोलेराउश एप्लीकेशन कि किसी सॉल्ट के लिए अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे यदि उसकी मोलर कंडक्टिविटी कलेक्ट करना चाह रहे हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे उसके कैटायंस और उसके एनायंस की मोलर कंडक्टिविटी का वो आपका क्या होगा, सम होगा. ठीक है सर. देखो ये 3 टाइप के आपको इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं, इनमें से आपको एड करना, एक को माइनस करना. सबसे पहले इसमें करेक्शन कर लेना, यहाँ पे KOH की जगह क्या है, KCl. बिल्कुल. तो ये अपना बच्चों वाला काम है बेटा, जैसे अपन को CH3CO-H+ लाना है, 3 इक्वेशन दिए. यहाँ से जैसा सबने आपको बताया ये H+ + Cl- हो गया, यहाँ से सबने जैसे आपको बताया K+ + Cl- हो गया,
यहां से अपन इसको ब्रेक करेंगे तो CH3CO- और K+ हो गया। बस अपन को कुछ नहीं करना, यहां से कैसे भी करके CH3CO- और H+ लेके आना है, अपना काम हो जाएगा। सही बात है। तो यहां से अपन देखें कि CH3CO- तो ये रहा और H+ अपना ये रहा, मतलब फर्स्ट और थर्ड को तो ऐड कर लूं और साथ में सेकंड को माइनस कर दूं, क्योंकि जिससे इससे ये और इससे ये कैंसिल आउट हो जाए। अब इसमें भी अपन एप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन देख सकते हैं कि फर्स्ट को 114 है, सेकंड ये है, तो 426 में ये ऐड करेंगे तो अराउंड 540 आ जाएगा। जी सर। अब 540 में से 270 माइनस करना है, एक बार 300 माइनस करो 240 आएगा, और फिर 30 ऐड कर लो तो अराउंड 270 का अराउंड आ रहा होगा। जी सर। कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन करेक्ट। जी सर। चले सर आगे। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड हैज अ मोलर कंडक्टेंस ऑफ 19, सर लैम्डा एम अपन को दे रखा है 19, एंड इट्स ओनली 1% आयनाइज्ड, मतलब सर अल्फा दे रखा है 1%, या मैं बोलूं 0.01। देन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस, मतलब अपन को लैम्डा इंफिनिटी मोलर कंडक्टेंस देखना है। जी सर। तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ कोलेराउस लॉ मैं बोलूं अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी। जी सर। तो सर यहां से अपन को अल्फा दे रखा है 0.01, लैम्डा एम दे रखा है अपन को 19, और लैम्डा एम नॉट निकालना है, इंफिनिटी बोल दो एक ही बात है, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या आ रहा होगा, ये अपने पास में आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 1900 हो जाना चाहिए सर। जी सर। तो एक बार आप बच्चों इस क्वेश्चंस में यूनिट और देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस में क्या यूनिट चेंज होते हैं, यूनिट का खेल इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जैसे देखो सारे सेंटीमीटर में ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। जी सर। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सर फिर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर ली, डिबाई हकल ऑन्सकर इक्वेशन पीछे सर क्या आया, डाइल्यूशन इंक्रीजेस द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस बिकॉज, एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस डिक्रीज होने लगते हैं, जिससे आयन्स फ्री होने लगेंगे, मूवमेंट बढ़ेगा, दैट्स व्हाई उनकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बट लेकिन वो क्या है कि एक तो आपके पास मोलर कंडक्टेंस है, सभी की बात कर लेते, एक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, एक कंडक्टेंस है और एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस है जिसको आप किसी रिप्रेजेंट कप्पा से करते हो, इनमें क्या होता है, इन दोनों में तो क्या होता है, लैम्डा एम या लैम्डा इक्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वी मोलरिटी को अपन किसी मतलब कहने का मतलब डाइल्यूशन पे इंक्रीज होते हैं, डाइल्यूट करोगे तो ये दोनों इंक्रीज होगा, ये भी क्या होगा इंक्रीज होगा, ये नहीं होता है, ये डिक्रीज होगा, रीजन है सर इसका, इसका रीजन ये वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में जो बात कर रहे हैं सर, जैसे मैंने पर वॉल्यूम बताया उसमें डिक्रीज हो रही होता है। जी सर। तो यहां पे अपन बोले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो रीजन रहता है इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में इसके साथ साथ अपन ये बोलते हैं नंबर ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है, परसेंटेज डिसोसिएशन, उसमें दो चीजें होती है, दो चीजें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है अल्फा लेस देन 100% होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो अल्फा ऑलरेडी 100% बन गया होगा, तो इसके अंदर अल्फा भी क्या होगा 100% होगा, और आयनों के बीच में आप जैसे बोल रहे हो कि इंट्राआयनिक अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है कम हो, डिक्रीज हो जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ने लगते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जैसा सर ने बताया इंट्राआयनिक अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होते हैं, इस कारण अपन क्या बोलते हैं इसकी मोलर कंडक्टेंस में इंक्रीमेंट होता है। तो सर क्या आंसर हो जाएगा इसका अपना, फोर्थ। चलिए सर आगे। अब देखो सर इसमें थर्ड और फोर्थ दोनों दिया है, तो थोड़ा सा अपन को इसको देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, ये तो सर हर बच्चे को क्वेश्चन में प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना ही चाहिए। चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, विद इनर्ट इलेक्ट्रोड, सर फिर से आ गया इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम 200 ml ऑफ सॉल्यूशन वाज लेफ्ट विद 0.2 NaOH, ड्यूरिंग द सेम टाइम 10.8 ग्राम ऑफ Ag वाज डिपॉजिटेड इन सिल्वर वोल्टमीटर इन सीरीज विद इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कैलकुलेट परसेंट of the theoretical yield of NaOH solution. Sir, Faraday का second law ये बोलता है कि series में जो cell आपने connect किए हैं, वहाँ पे आपने अलग अलग electrode जैसे लगाए, जैसे यहाँ पे दो electrode लगा रखे हैं अपने, एक cell और अपने series में connect कर दिया, तो अपन बोलते हैं इनके number of equivalent आपस में equal होंगे, तो यहाँ पे अपन को एक तो बात कर रहा है silver का electrode, और एक अपन को साथ में बात कर रहा है Na का electrode, तो अपन इनके gram equivalent सर equal बता सकता हूँ, तो gram equivalent अपने दोनों के इक्वल किए, ग्राम इक्विवेलेंट 1 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट 2, 1-2 बोल देता हूं जिससे थोड़ा कैलकुलेशन आसान रहेगा। इसे अपन एनिवेज के लिए बात कर रहे हैं, इसे एजी के लिए बात कर रहे हैं। तो एजी के लिए अपन को दे रखा है ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला मोल इनटू एन फैक्टर, या अपन को दिया 10.8 वेट हो रहा है, तो ग्राम वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, तो यहां से सर का एन फैक्टर आएगा 1, तो इसका आ जाएगा 0.1,
इट मींस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH आ गया 0.1 जी सर ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या बोल दिया अपन ने मोल इनटू n फैक्टर तो NaOH के लिए यदि मैं सर बात करूं n फैक्टर ऑलरेडी 1 है मोल आपके पास में आ गया तो इधर से मोल कितना आ गया आपके पास में 1/10 बोल सकता हूं जी सर और मोल क्या होता है सर ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इसका आएगा 40 तो यहां से अपने पास में NaOH के लिए जो वेट आएगा वो आएगा 4 ग्राम दैट इज द टोटल बट अपन को पूछना है इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है 0.2 NaOH 200 ml तो कितना मोल आएगा उसके अकॉर्डिंग परसेंट यील्ड की बात कर रहा है जी सर यहां से थोड़ा सा मैं बच्चों को एक्सप्लेन करूं अपन को ये पता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम आपका इक्विवेलेंट होता है सही बात है सर अब यहाँ पे NaOH के लिए n फैक्टर 1 रहेगा तो नॉर्मलिटी बोलूं या मोलरिटी एक ही बात है तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ मोलरिटी इनटू वॉल्यूम बिकॉज़ n फैक्टर आपका 1 है ये मोल के इक्वल आ जाएगा यहाँ से सर अपन को क्या दे रखा है 200 ml और 0.2 तो 0.2 इनटू 200 ml तो ये भी सर लीटर में चेंज करेंगे तो इतना ही रहेगा तो सर यहाँ से ये कितना आ जाएगा अपने पास में यहाँ से 0.04 सर कैलकुलेशन वगैरह का थोड़ा देख लेंगे तो ये अपने पास में है 0.04 मोल और मोल बराबर क्या होता है वही ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यहाँ से अपन जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.66 ग्राम तो मतलब 1.6 ग्राम तो यूज में आया टोटल 4 ग्राम था परसेंटेज निकाल दे सर तो 1.6 अपॉन 4 इनटू 100 डायरेक्ट वैसे भी देख सकते हैं अपन तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गया ये 4 टाइम्स जाएगा यानी 40% आ जाएगा सर ये आएगा तो बच्चों इसमें क्या किया अपन ने सीरीज बोलने का मतलब इक्विवेलेंट इक्वल यहां से टोटल अमाउंट की बात की फिर जो यूज में आया बिकॉज n फैक्टर 1 है तो नॉर्मलिटी मोलरिटी एक रहेगी यहां से जो यूज में आया वो अमाउंट निकाला और उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज देख लीजिए सर चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम आर तो सर सबके लिए रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं और अपन को पता है एसआरपी की बात हो रही है जब तक नहीं बताता है और यदि रिएक्शन भी नहीं दे तो हम एसआरपी कंसीडर करके चलते हैं ये इलेक्ट्रोफर्स्ट में अपन ने बात की है तो सर सबके एसआरपी अपन को गिवन है द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द वेरियस स्पीशीज डिक्रीजिंग ऑर्डर और एसआरपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है ऑक्सीडाइजिंग पावर के तो मतलब जिसका एसआरपी ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा तो एसआरपी सबसे ज्यादा तो होगा सीडियम का C+4 की बात कर लेते हैं सर उसके बाद में होगा MnO4- उसके बाद में होगा Cr2O7-2 और उसके बाद में होगा Sn+4 की आएगी ऑक्सीडाइजिंग पावर दूसरे का ऑक्सीडेशन खुद का रिडक्शन तो ये लोग ही हैं जो खुद का रिडक्शन कर पाएंगे तो इसके अकॉर्डिंगली सर अपन यदि देखें सेकंड ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है Ksp ऑफ BaSO4 इज 1×10⁻¹⁰ सर Ksp दिया हुआ है स्पेरिंगली सॉल्युबल है Ab टाइप का है तो सर यहां से मैं बोल सकता हूं इसके लिए Ksp इज इक्वल टू S²=10⁻¹⁰ तो S कितना आएगा 10⁻¹⁰ यानी सॉल्युबिलिटी आ जाएगी बेरियम सल्फेट सॉल्युबिलिटी आ जाएगी सर इफ द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Ba+2 एंड SO4- आर दिस एंड दिस देन इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस जी सर सर यहां पे एक चीज याद रखनी है वैसे अपने को फॉर्मूला पता है मोलर कंडक्टेंस का कप्पा इनटू 1000 1000 ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं यदि सेंटीमीटर नहीं होता मीटर होता तो नीचे आता जी सर बट स्पेरिंगली सॉल्युबल जैसा एक पीछे भी आया था अपने पास स्पेरिंगली सॉल्युबल के केस में अपन क्या बोल देते हैं यदि स्पेरिंगली सॉल्युबल की बात करेंगे तो उस केस में अपने पास में जो लैम्डा एम है वो लैम्डा एम इंफिनिटी हो जाएगा और अपने पास में जो मोलरिटी है वो आपकी सॉल्युबिलिटी बन जाएगी जी सर बिल्कुल सर इसको मैं यहाँ से लैम्डा एम इंफिनिटी बोल सकता हूँ और इसको मैं यहाँ से एस बोल सकता हूँ अपन से पूछा क्या है इसकी विशिष्ट चालकता इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा पूछ रहा है तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा एम इनटू एस अपॉन 1000 हो जाएगा सही बात है सर लैम्डा एम क्या आ जाएगा वही बात लैम्डा एम नॉट है तो अकॉर्डिंग टू कोलेराउश इसके कैटायन और एनायंस का सम हो जाएगा तो इनफाइनल डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टेंस है वो दोनों आयनों की मोलर कंडक्टेंस के एडिशन के इक्वल होगी जी सर यहां पे बेरियम प्लस 2 और यहां पे SO4 माइनस 2 तो इन दोनों को आप जब ऐड करोगे 64 प्लस 180 80 सॉरी ये 144 है तो सर ये आ गया 144 जी सर s अपन ने देखा 10⁻¹⁵ है अभी अपन निकाल के आए हैं और साथ में अपॉन में क्या है अपने पास में सर 1000 है तो इसको भी ऊपर किया तो 144×10⁻⁸ इसका सेकंड ऑप्शन सर आपका करेक्ट होना चाहिए बस यहां पे ये याद रखना स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए लैम्डा एम नॉट में चला जाता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन और उस पे यदि अपन को निकालना है कंडक्टिविटी तो अपन क्या बोलते हैं उसके आयंस
जो कैटायन और एनायन है उनका सम होगा और जो मोलरिटी है वो सॉल्युबिलिटी में कन्वर्ट होगा। तो अपन क्वेश्चन 23 की बात करते हैं सर। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.01 एम सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड वाज फाउंड टू बी दिस। सर ये अपन को कप्पा दिया है और इंपॉर्टेंट रोल इधर इसकी यूनिट का रहेगा जैसा अपन ने पहले बात की, ये कितना रहेगा 0.0162 सीमेंस मीटर इनवर्स। मोलरिटी अपन को यहाँ पे दी है 0.01, जिसको मैं 10^-2 एम भी लिख सकता हूँ। सही बात है सर? जी सर। और अपन को मोलर कंडक्टेंस दी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मतलब लैम्डा एम इनफिनिटी, कितना दिया है 390.6×10^-4। तो सर मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का फॉर्मूला होता है सर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफिनिटी। थोड़ी सी वैल्यूज पुट करना चाहूंगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करते हैं तो 0.0162 ये दे रखा है 10^-3×10^-2 माइनस टू से ये जाएगा 10 ऊपर जाएगा तो सर अपना लैम्डा एम अपन को क्या मिलेगा 0.00162। इसकी वैल्यू सर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो 0.00162 ये तो लैम्डा एम आ गया। लैम्डा एम इंफिनिटी अपन को डायरेक्ट दिया है 390.6×10^-4। तो सर इसको सॉल्व कर लें और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा जी सर, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो सर जैसे ही अपन को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट मुझे इसका डेटा ध्यान आ रहा है, जैसे वैसे भी अपन देख सकते हैं 400 है मान लो इसको, तो 400 को सर इस पे डिवाइड करेंगे ये पॉइंट हटा दें तो लगभग ये सर 4.17% के अप्रोक्स अपन को मिलना चाहिए। तो बेटा ये अपन ने आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड 23 क्वेश्चंस के थ्रू फैराडे लॉ, अपने पास में जितने भी कोलेराउश के लॉ थे वो डिस्कस किए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उनमें डिस्चार्ज थ्योरी की अपन ने बात की है। बाकी बेटा फिर अपन नेक्स्ट एक और एपिसोड में और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय सीएलसी, ऑल द वेरी बेस्ट।